फ्रंट डोर है, ये ऐसे गैलरी है, यहाँ मीटर है, ये चिमनी का है, ये ऐसे करके दरवाज़ा, आगे से जाकर राइट लेने पर लिफ्ट है। तो हम लोग फ्रंट डोर में इंटर कर रहे हैं, अंदर रोशनी कम है तो टॉर्च के माध्यम से हम आपको रोशनी दिखाएंगे। ऐसे करके हमने इंटर किया, ये आगे में ये जूता उतर रखने का स्टैंड हुआ, ये ऊपर में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मीटर है, ये फ्रंट एंट्रेंस डोर है, यहाँ पे भी एक दरवाज़ा दिया गया है इसमें इस टाइप से, ऐसे एक दरवाज़ा है। यहाँ पर आए जैसे एंट्री कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आए तो इधर पहले बाथरूम है, बाथरूम ठीक है, वास्तु के अनुसार बाथरूम ठीक है। ये बाथरूम है स्नान करने का, ये यहाँ पे वॉश बेसिन है, और ये लैट्रिन है, ये उत्तर दक्षिण लैट्रिन है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अलग लैट्रिन रूम है, ये अलग यहाँ पे एरिया है जहाँ पे आप खड़े होके ब्रश एंड ऑल सारा कुछ कर सकते हैं, अपने वॉशरूम का सामान रख सकते हैं, और ये स्नान करने के लिए बाथरूम है, स्पेशियस है ये बाथरूम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किचन की तरफ, किचन ये एरिया है, ऐसे किचन है, किचन में यहाँ गैस नहीं लगी है, गैस लगवानी पड़ेगी, ये किचन के पीछे रखने के लिए, सामान रखने के लिए स्लॉट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये वॉश बेसिन है किचन का, और यहाँ गैस नहीं है, गैस लगानी पड़ेगी। वही है किचन, इसका नॉर्थ डायरेक्शन में है, हम जैसे खाना जिधर फेस करके बनाएंगे वो नॉर्थ की तरफ हम फेस करके बनाएंगे खाना, जैसे अभी अपना एग्जिस्टिंग है। हाँ, अब किचन के बाद बगल में एक रूम ये है, ये पहला रूम है, ये एक छोटा सा रूम है, इसको स्टडी रूम बोलिए, इसको ऑफिस रूम बोलिए, इसको जो भी रूम बोलिए, यहाँ पे एक पर्दा हट जाएगा तो काफ़ी रोशनी आ जाएगी। ये ड्रॉवर्स हैं ऊपर में, ये एक नीचे में ड्रॉवर है, ये एक हो गया स्टडी रूम, ऑफिस रूम जो भी बोलिए, किचन के बगल में ये एक हो गई, ये ठीक ठाक है, ये स्पेशियस है, ये इसमें आपको एक आदमी सो भी सकता है, बैठ भी सकता है आराम से, दो तीन गेस्ट भी, दो गेस्ट आराम से इसमें नीचे बिछा दिया जाए तो तीन आदमी आराम से इसमें सो सकते हैं, चार आदमी भी सो सकते हैं। फिर यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो ये किचन के आगे का हॉल का एरिया है, अगर ये देखा जाए तो हम किचन के साइड से खड़े हैं तो यहाँ भी स्पेसियस है, यहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह आपका लग जाएगा, बगल में टेबल वबुल आपका रखवा जाएगा। फिर हम लोग आते हैं ये दूसरे रूम में, ये दूसरा बेडरूम है, ये अच्छा बड़ा है, स्पेसियस बेडरूम है, ये यहाँ पे भी कर्टन है, अभी ये भी रोशनी अच्छी आएगी इसमें, और इसमें आराम से आपको एक क्वीन साइज़ या डबल बेड इसमें आराम से एक लग जाएगा, और इसमें भी ड्रॉवर्स लगे हुए हैं, सामान रखने के लिए प्रॉपर सुविधा दी गई है ड्रॉवर्स के साथ, ठीक है। एक ये रूम हो गई, ये अच्छी रूम है, ये बड़ी रूम है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये दूसरी रूम हो गई। अभी हम रूम से निकले, रूम का ये दरवाज़ा है, जैसे जापनीज स्टाइल घर का दरवाज़ा होता है वैसे ही ये दरवाज़ा है पतला। अब हम रूम से यहाँ से निकलते हैं, अब हम तीसरे रूम में आते हैं, ये तीसरा रूम बालकनी का एंट्रेंस भी है, और ये भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी उम्दा है, इसमें डबल साइज बेड और एक टेबल, ड्रेसिंग टेबल लग जाएगी, ये एसी इक्विप्ड रूम है, इस रूम में एसी लगी हुई है इस फ्लैट में, ठीक है। यहाँ पर भी ड्रॉवर दिया गया है सामान वगैरह रखने के लिए, ऊपर में भी सामान रखने के लिए ड्रॉवर दिया गया है, और नीचे में भी यहाँ ड्रॉवर है, पूरा ड्रॉवर है, ये ऊपर में भी इस एरिया में भी देखें तो अच्छी खासी सामान रखने के लिए दी गई है। अब ये बालकनी का एरिया है, बालकनी का एरिया में थोड़ा हटाने का कोशिश करता हूँ, कर्टन्स को हटाने का कोशिश करता हूँ, ये बालकनी का एरिया हो गया इसका, ये पूरा बालकनी हो गया, ये पूरा बालकनी का एरिया हो गया। अब हम लोग बालकनी के ऐसे खोलते हैं और बालकनी की तरफ आने का प्रयास करते हैं, ये हम लोग ये फुल बालकनी है, ये शायद लॉक लगा हुआ है, ये खुल नहीं रहा है, ये पूरा बालकनी है, इसको भी हमने ऐसे लॉक कर दिया। हाँ, ऐसे करके अगर हम आते हैं तो अभी बालकनी में हम आ गए हैं, ये पूरा बालकनी का एरिया है इनका, ऐसे बालकनी है, यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छी है, ये देखिए रिवर साइड व्यू है यहाँ से,
आप खड़े हो जाएं यहाँ पे इवनिंग में, शाम में अच्छी हवा भी चलेगी। यही रोड जो देख रहे हैं आप फ्लाईओवर, ये उजीमा की तरफ ये फ्लाईओवर जाती है। ये सामने के बिल्डिंग हैं, ये भी यूआर होम से ही हैं, ये सामने के सारे बिल्डिंग्स हैं इस टाइप से। ये पूरा ये इधर का व्यू है, ये एयर कंडीशन लगा हुआ है, ये कपड़े टांगने के लिए चिमनी का जैसे दिया जाता है यूआर हाउस में ऐसा है। तो अगर ऐसे करके इधर से अगर देखा जाए पूरे तरीके से, तो ये कंप्लीट एक फुल बालकनी है। बालकनी के साइड से एक उधर की रूम हो गई, एक इधर की रूम हो गई। ये है बालकनी, ठीक है, लंबी बालकनी है, बालकनी में आपका सारा सामान आ जाएगा। तो हम लोग वापस रूम में इंटर होते हैं और एज़ पर यूआर पॉलिसी आपने जैसे खोला है उसको वैसे लगाइए, उसको वैसे ऐसे इसको लॉक कर दीजिए। ऐसे अनलॉक रहता है, ये ऐसे अनलॉक रहती है, इसको आप ऐसे करके ऊपर करके लॉक कर दीजिए और ये कर्टेन इसमें लगा दीजिए। यू आर होम्स यहाँ की जापान की सबसे बड़ी सोसाइटी है। ये कर्टेन आपने जैसे खोला था उसी तरीके से तहजीब से कर्टेन को वापस लगा दीजिए, क्योंकि इनके यहाँ कस्टमर्स आते ही रहते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। अगर किसी को कोई फ्लैट पसंद आ गई तो वो फिर उसको ले लेते हैं, जैसे ये हमें चाबी दी गई है। तो ये रहा यू आर होम का ये जो हम लोग आज घर देखने आए हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज़ की, एक आपको कन्वीनियंट के लिए फ़ोन दिया गया है और फायर अलार्म्स वगैरह है। और ये आउटसाइड का व्यू है, अगर हम इधर से आउटसाइड आते हैं तो इस टाइम से हम बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये उल्टे साइड का नज़ारा है, ऐसे करके आए तो ऐसे करके आगे से उन्होंने ग्लास लगा रखी है कि बारिश वरिश जोर से आए तो अंदर में दरवाजे में पानी नहीं जाए। ये है इधर से बाहर का नज़ारा। यहाँ से इस्कॉन टेम्पल काफ़ी नज़दीक है और ये रोड जा रही है जो कि इदोगावा वार्ड के तरफ ही रोड चले जाएगी। ये यू आर होम्स है। ये फिर अभी इस पर आगे चर्चा होगी, ये फ्लैट लेनी है नहीं लेनी है, फिर उसके बाद फिर हम लोग फाइनल डिसीजन करके यू आर ऑफिस को इन्फॉर्म कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। एंट्रेंस ईस्ट की तरफ, थैंक यू।